लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे इस व्लॉग में आपका स्वागत है। 30 तारीख को 11 बजे की फ्लाइट से हम मुंबई टू बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग के बीच करीबन 68 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस जगह की ब्यूटी और ठंड दोनों बढ़ती ही जा रही थी, द मोर वी वर गेटिंग क्लोजर टू रोहिणी। रोहिणी एक जगह है जो दार्जिलिंग के रूट में आती है। इस पूरे सफर में मैं इतना एक्साइटेड था बिकॉज आई लिटरली गॉट एन एस्केप आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इस नज़ारे के साथ हम कुछ तस्वीरें ले रहे थे एंड सडनली वी रियलाइज्ड कि यहाँ पर रात बहुत जल्दी हो जाती है। करीब 6 बजे को यहाँ का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस हो गया था। अभी हम आए हैं सांता वांटा में और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है, बट इट्स सो गुड, इट फील्स सो गुड एंड डिलाइटफुल। ठंडी का असली मज़ा तो यार हिमालय में ही आता है। अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते ही सबसे पहले हम गए मॉल मार्केट में कुछ बीनीज और ग्लव्स खरीदने, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ हमें मिला महाकाल रेस्टोरेंट, जिसका खाना मुझे तो लाजवाब लगा। कुछ ही देर में साल का आखिरी दिन शुरू होने वाला था और इस दिन के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। पूरे दिन की मेहनत के बाद रूम में पहुँच कर इतना रिलीफ मिला, तो सबसे पहले तो मैंने अपना बैग साइड में रखा और उसके बाद 4:30 इन द मॉर्निंग और हम टाइगर हिल के लिए जा रहे हैं। अभी पूरा फॉरेस्ट और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। पूरी ढलांग पे चढ़ना है, नीचे हमने गाड़ी छोड़ दी और 6:30 बजे सनराइज होगा। हम टाइगर हिल पे पहुंचने वाले हैं। सांसें थोड़ी टाइगर हिल इज 8,500 फीट अबव द सी लेवल, जिसको आप देख रहे हैं ये कंचनजंगा पीक है और यहाँ का व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग था। अभी हम टाइगर हिल से निकल कर अपने दूसरे स्पॉट पे जा रहे हैं और यहाँ पे तो मजे आ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है मंदिर। टाइगर हिल से निकलकर हम घूम मॉनेस्ट्री पहुंचे और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही वाइब्रेंट था। घूम मॉनेस्ट्री से निकलकर हम बतासे लूप पहुंचे। इस लोकेशन पे ये कॉस्ट्यूम मम्मी को बहुत सूट कर रहा था। अभी हम आए रॉक माउंटेन, बहुत ही हरियाली वाली जगह है। यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है, वो जाके मिलता है उस जगह पे पर वो अभी दिख नहीं रहा, पर हम वहाँ पर जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसा लगता है। दार्जिलिंग में हर मोड़ पे आपको एक टी गार्डन दिखेगा और यहाँ से मैंने हर अलग प्रकार की चाय खरीदी है। मज़ा भाई। बिटली। फरंगत पड़वाना। क्या बगीचा पकड़ी ली इसका? हाँ। ये पहला भाई कितने नीचे गया है। टी गार्डन से निकलकर हम पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क पहुँचे। देखते हैं किसका असली नाम क्या है। हाँ? यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका असली नाम है मारखोर। इसको ये एनिमल फ्रॉम पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान से आया हुआ एनिमल है मारखोर। इतना नज़दीक से भालू को देखना मतलब इट्स क्रेजी है, एकदम खुला है वो भी। जापानीज टेम्पल और ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का कल्चर है। सनसेट हो रहा है और अब हम टेम्पल के अंदर जाने वाले हैं और अलग ही टाइप का माहौल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ अहिंसा परमो धर्म। लेट्स गो। उनको हमने प्रेयर करते हुए सुना और उनके साथ थोड़ी देर शामिल हुए। जिस तरीके से वो कर रहे थे तो भाव तो प्रेयर वाला ही उत्पन्न हो रहा था। पीस पकौड़ा। तो ये है पीस पकौड़ा जिसके आसपास मैं अभी घूम रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा ठंड है और मैं ऊपर से मेरे ग्लोव्स वगैरह ऑलरेडी रख कर आया हूँ मेरी गाड़ी में, बट नेवर माइंड, इस ठंडी के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। पीस विद चिलिंग कोल्ड। दिस इज सो
एडवेंचरस। ओके, ऐसे मुझे बहुत अच्छा खासा व्यू दिख रहा है। एंड समथिंग रिटन ओवर हियर, किंग बिंबिसारा पेइंग होमेज टू वेन्युवाना। तो उसको मतलब डिपिक्ट किया है और उसको यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने कि लिफ्ट ऑफ मैंगो ग्रोव बाय अम्रपालयत वैशाली। ये है, आप देख सकते हैं, इट्स द डिपिक्शन ऑफ निर्वाना। ओके, आई गॉट इट। जन्म हुआ, फिर माया ड्रीम, माया देवी का सपना, माया देवी का सपना, देवी को सपना आता है। ग्रेट डिपार्चर ऑफ सिद्धार्था, समाधि। यहाँ पर ये टॉय ट्रेन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अभी हम हैं मॉल मार्केट में और यहाँ पे बहुत सारी एंटीक चीज़ है। यहाँ पास में ही सेंट एंड्रयूज चर्च है और इस रास्ते को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। हमारे इस साथी ने हमारी यात्रा को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं थे। आई फेल्ट लाइक आई हैव बीन हियर बिफोर, व्हेन और हाउ आई कैन नॉट टेल। नेपाल तपाईको हार्दिक स्वागत। वेलकम टू नेपाल। अभी हम जा रहे हैं पशुपति। बहुत खूबसूरत है ये जगह, खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। ये है नेपाल का पशुपति मार्केट। वैसे ऑलरेडी हमने बहुत शॉपिंग कर ली, बस अभी यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं कि क्या है, कैसे कैसी चीजें हैं, कैसे लोग हैं। वो बोल रहा था बीबी किधर है, बोल दिया तो इधर कनेक्ट था ना मोबाइल, क्या बोले कुछ समझ नहीं आ गया। हमारा अगला स्टॉप था मेरिक लेक और इस रास्ते में हमको बहुत सारे टी गार्डन्स देखने को मिले। मेरिक लेक हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी। दो दिन का सफर बहुत ही खूबसूरत रहा है सच में। मुझे तो ये दार्जिलिंग से और नेपाल से, इन जगहों से प्यार हो गया। मेरे साथी रहे एड्रिन भाई। किसी जगह से प्यार का इजहार करना हो तो कहना चाहिए यो जगह अति राम रोसा। नेपाल दार्जिलिंग अति राम रोसा। माई ब्रदर एड्रिन अति राम रोसा। हम दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड है मिलन दा, तो आपसे फिर से जरूर मिलूंगा। मोसंग एड्रिन भाई साथ में छा, मोसंग एड्रिन भाई साथ में छा, दिस चॉइस ऑफ सॉन्ग्स इज अति रामरोसा। नेपाली रैप्स यस। और वो आपने कौन से साथी का नाम बताया था? बुद्धा साथी है। हाँ, उनका जो सॉन्ग है साथी करके, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग बनाया हुआ है। एक दोस्त के लिए डेडिकेट किया है वो, और हम दो दिन से बार बार वो सॉन्ग लूप पे सुन रहे हैं और बड़ा ही मजा आया हमको। कुदरत में शामिल होते ही वो हमें उसका एक हिस्सा बना लेती है। एंड वी रियलाइज कि इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ आवर ओन डिवाइन सेल्फ। इतना शून्य कर देती है कि मानो लुत्फ आने लगता है जफाओं में, कहीं मेहरबान हो जाए। सिलीगुड़ी से निकले तो आया साडा अड्डा, बागडोगरा हवाई अड्डा। ये है यहाँ का मेन एयरपोर्ट। यहाँ से निकल कर हम बैंगलोर के लिए रवाना हुए। अभी हम आ गए बैंगलोर एयरपोर्ट पे और ये देखिए काफी मैजेस्टिक एयरपोर्ट है। पेट पूजा भी तो करना जरूरी है। तेरो मेरो साथ हाम्रो मनोबल विशाल हुन्थ्यो, हार पनि जीत जीत परिहार हुन्थ्यो घर।